बॉलीवुड में कई जॉनर्स की फिल्म्स आपने देखी होंगी, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी। हालांकि कई फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड में जासूसी पर भी कई बेहतरीन फिल्म्स बनाई और आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की 5 बेस्ट जासूसी पर बनी फिल्म्स के बारे में। एक था टाइगर। एक था टाइगर को रविंद्र कालिया की लाइफ से इंस्पायर्ड बताया जाता है। इस फिल्म में सलमान ने रॉ के अंडर कवर एजेंट का रोल निभाया था, जो एक NRI साइंटिस्ट की एक्टिविटीज पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि उसकी जो केयर टेकर है वो उसके जैसा ही काम पाकिस्तान के लिए करती है। और कबीर खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बेबी। एक्शन स्पायर थ्रिलर बेबी में रॉ के काम करने की शैली को बारीकी से डायरेक्टर नीरज पांडे ने दिखाया। सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम बेबी नाम से बनाई जाती है, जो उन आतंकियों को नष्ट करती है जो भारत पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे। अक्षय कुमार ने अंडरकवर एजेंट अजय सिंह राजपूत का रोल निभाया था और फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया गया था। नाम शबाना। बेबी के ही एक किरदार को लेकर नाम शबाना बनाई गई। महिला सीक्रेट एजेंट पर बनी ये बॉलीवुड की पहली फिल्म मानी जा सकती है। सीक्रेट एजेंट बनकर वो अपने पहले ही मिशन में किस तरह कामयाब होती है ये फिल्म में दिखाया गया है। तापसी पन्नू ने फिल्म में शबाना का कैरेक्टर प्ले किया था। फैंटम। हुसैन जैदी की किताब मुंबई एवेंजर्स पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान लीड रोल में थे और इस फिल्म में रॉ के एक ऐसे कवा ऑपरेशन को अपने एजेंट के जरिए अंजाम देता है जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक के पीछे मास्टरमाइंड थे। मद्रास कैफे। सुजीत सरकार की मद्रास कैफे एक रॉ एजेंट पर बनी बेहतरीन फिल्म है। इस पॉलिटिकल थ्रिलर का ताना बाना पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसमें लट्टे की भूमिका के इर्द गिर्द बुना गया है। जॉन इब्राहिम के करियर की इसे सबसे बेहतरीन फिल्म कहा जा सकता है। वेल तो ये थी बॉलीवुड की वो बेस्ट 5 फिल्म्स जिसे ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी खूब अप्रिशिएट किया। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।